हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव अबू टेक्निकल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कॉइन की जो कि काफ़ी कॉइन है और लव कैप कॉइन है। तो छोटा कॉइन होने के कारण इसकी जो है अभी अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है। हम इसको यदि $50 या $100 का भी खरीद लें तो जो है हमें इन फ्यूचर जो है काफ़ी लाभ हो सकता है। और मार्केट अभी गिरी हुई है तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो हमें जो है एक अच्छा प्रॉफिट इन फ्यूचर हो सकता है। हालांकि यदि हम मार्केट की प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मार्केट के हालात ऐसे नहीं हैं कि अभी हम ट्रेडिंग कर सके और ज़्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि मार्केट जो है, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन जो है 29,580 USDT पे चल रही है, और यदि इसकी बात करें तो ये 29 से 30 हज़ार के बीच जो है। $29 से 30 हज़ार के बीच में जो है ट्रेडिंग कर रही है। कई दिन से मार्केट जो है अपना जो है बुलिश होने की पूरी कोशिश में है, लेकिन लेकिन जो इंटरनेशनली माहौल बना हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लस जो पूरे वर्ल्ड में ही मंदी आई हुई है, सारे स्टॉक मार्केट जो है धराशायी हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का उसमें पॉजिटिवनेस दिख रही है, लेकिन उतने नहीं है कि इससे जो है क्रिप्टो मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंट में चला जाए। तो उसका जो इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी देश के या इंटरनेशनली जो है एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के या इंडिया के जब स्टॉक मार्केट बुलिश मोमेंट में आएंगे, उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट के चांस रहते हैं। चूँकि पहले लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उसके बाद वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो क्रेज़ है वो कुछ उतने ज़्यादा लोगों को नहीं है, तो उस वजह से जो है कुछ लोग स्टॉक मार्केट वाले इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इसके परमानेंट इन्वेस्टर हैं उनका तो अमाउंट ही बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तो उस लिहाज से यदि देखें तो क्रिप्टो मार्केट जो है अभी उस हालात में नहीं कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अभी जो पेनी की स्थिति है वो काफ़ी बनी हुई है, जो डर का माहौल है वो काफ़ी है। तो आज हम बात करते हैं अपने कॉइन की, आते हैं। तो यदि हम कॉइन की बात करें तो कॉइन का नाम है RSR, रिजर्व राइट्स। तो RSR यदि हम कॉइन की बात करें तो ये कॉइन जो है ये मई 2019 में लॉन्च हुआ हुबई ग्लोबल के ऊपर। इस एक्सचेंज के ऊपर ये जो है वो लिस्ट हुआ शुरू में, और इसके जो है 6% जो है टोकन जो है वो मार्केट में उतारे गए थे उस टाइम। 6% का मतलब है इसकी जो टोटल सप्लाई है 100 बिलियन है, तो 6 बिलियन टोकन जो है इसके उस टाइम उतारे गए। उसके बाद इसकी सप्लाई को जो है धीरे धीरे बढ़ाया गया। यदि हम इसकी लास्टेस्ट अपडेट की बात करें तो 15 मई में भी हाल ही में इसकी लास्टेस्ट अपडेट ये हुई है कि इसके जो टोटल सप्लाई थी पहले वो 15 बिलियन थी, अब उसको जो है सर्कुलेटिंग में बढ़ा के 17.5 जो बिलियन जो है उसको कर दिया गया है। यानी कि 2.5 बिलियन की जो सप्लाई है इसमें इंक्रीज की गई है, तो उससे भी जो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी जो है वो डाउन गया है। उसका भी इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ा है, यानी कि 2.5 बिलियन की इसमें सप्लाई इंक्रीज हुई है। आते हैं हम इधर, यदि हम करंट प्राइस की बात करें तो इसका जो करंट प्राइस है प्रेजेंट टाइम है 00 के बाद 45 US डॉलर है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके कॉन्टैक्ट एड्रेस की बात करें तो 16 ना, और ERC20 यानी कि इथेरियम, और एक इसने नया किया है XDAI। इनके ब्लॉकचेन के ऊपर ये कार्य करता है। यदि हम टैक्स की बात करें तो स्टेबल कॉइन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और जो है स्टोर ऑफ वैल्यू। या वैल्यू ऑफ स्टोर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जो है इस तरह से, यदि हम बात करें ऑल टाइम हाई की, तो इसका जो ऑल टाइम हाई वो 2021 में गया था 0.11 USDT, जो कि एक काफ़ी इसने जो है छलांग मारी थी। यदि हम इसकी रैंक की बात करें तो इसकी जो प्रेजेंट रैंक है वो 343 है। तो रैंक जो है इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, क्योंकि 2019 से काफ़ी कोई तरह जो 2019 से भी पहले लॉन्च हुए उनकी रैंक यहाँ तक भी नहीं पहुँची है। तो हर कोइन का अपना सिस्टम है। अब हम आते हैं इसकी यदि सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात कर लेते हैं,
यदि मैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 17.5 बिलियन जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इसकी यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल इसकी 100 बिलियन है, और यदि हम इसकी मैक्सिमम की बात करें तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी 100 बिलियन ही है। हालांकि इसकी जो सप्लाई है थोड़ी ज़्यादा है, उस चीज़ को हम मान सकते हैं, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि इसका प्राइस जो है वो $1 तक ना जा सके। यदि हम इसकी आगे की बात करें, इसकी जो सप्लाई है उसमें कुछ सिस्टम इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसकी बात करते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है ये 100 बिलियन को इन्होंने क्या किया है, इसमें से क्या किया कि जो 49.5% सप्लाई है ये सप्लाई को उन्होंने स्लो वॉलेट में उसमें इन्होंने इसको लॉक किया है। यदि हम बाकी बात करें तो 17.5% जो परसेंट है सप्लाई वो सर्कुलेटिंग में है, और यदि हम बात करें कि 16% सप्लाई है, 16% जो सप्लाई वो इन्वेस्टर के पास है, और या हम पार्टनर भी कह सकते हैं, और जो 17.1% जो सप्लाई बची वो इनके एडवाइजर हैं, ये आप कह सकते हैं कि जो इनके टीम मेंबर हैं उनके पास हैं। तो इसकी जो यदि हम सप्लाई इंक्रीजिंग की बात करें तो इसकी जो सप्लाई है वो इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होगी। उसका कारण ये है कि जो 49.5% सप्लाई है ये भी सोलो वॉलेट में जो है लगभग 5 ईयर के लिए लॉक की गई है। उसमें से ये 16% जो इन्वेस्टर पार्टनर हैं ये अपनी सप्लाई डाल सकते हैं, और जो एडवाइजर और टीम मेंबर है वो अपनी सप्लाई इसमें डाल सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो है प्राइस बढ़ने की काफ़ी संभावना है। यदि हम इसकी बात करें इसका प्राइस कितना जा सकता है उस पर भी बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं ये करता क्या है। यदि हम रिजर्व टोकन की बात करें, RSR टोकन की, तो इसके दो मेन फीचर्स हैं। एक है इसका क्या है, जो हम स्टेबल कॉइन करते हैं, यानी कि रिजर्व प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व प्रोटोकॉल के तहत जो हम स्टैकिंग करते हैं जो हम स्टैकिंग कॉइन करते हैं उसके लिए जो रिजर्व प्रोटोकॉल है उसके थ्रू जो है ये स्टैकिंग को इंश्योर करता है। प्लस इसके अंदर दूसरा जो फीचर्स है वो ये है कि इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होना है वो वोटिंग के थ्रू जो है वो होगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो कहाँ के द्वारा होगा, वोटिंग के थ्रू, यानी कि इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से जो है कंपनी ने उठाया और कोई भी इसमें डिसीजन ले लिया। तो इसके दो मेन फीचर है। यदि हम बात करें आगे तो ये यूनिक क्यों है, तो यूनिक की यदि हम बात करें तो इसके यूनिक होने का एक कारण है कि जैसे हम कोई भी कॉइन जो है वो स्टैकिंग पे देते हैं तो वो मोस्टली हम उसको जो है USDT में ख़रीदते हैं, और जो हमें प्रोवाइडर है जैसे हम जो हमें सर्विस प्रोवाइडर है वो भी हमें मोस्टली क्या रहता है कि वो USDT में ही ज़्यादातर जो कॉइन है वो स्टैकिंग में रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक बास्केट बनाई है। बास्केट से मतलब ये है कि एक तरह से टोकरी है, उसमें जो है काफ़ी तरह की जो मुद्राएं हैं यानी करेंसीज है, जैसे USDC और USDT तो रहेगा ही, और USDP भी रहेगा। तो इस तरह से जो है कई सारी करेंसी को उन्होंने एक बास्केट की तरह यानी कंबाइन किया है,
ताकि जिस तरह से यूएसटी का ये फंड फैला था, यूएसटी के डाउन जाने के कारण जो है लूना कॉइन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो उस तरह से यदि यूएसडीटी किसी दिन टूट जाता है तो बाकी करेंसी के द्वारा जो है जो इनके स्टेकिंग पे जो कॉइन है वो बर्बाद ना हो सके और जो मार्केट में जो इसका रेट प्राइस है वो अचानक से डाउन ना जा सके और जितने जिन लोगों ने स्टेकिंग किया उनको लॉस ना हो सके। तो इन्होंने ये नया इसमें फीचर जो ऐड किया जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना जा सकता है। यदि हम प्राइस की बात करें, प्राइस प्रेडिक्शन की, यदि हम प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें आज, तो इसका जो प्राइस है वो, ये बिटकॉइन जो है वो 50,000 डॉलर से ऊपर होगी तो उसके बाद जो है इसका जो प्राइस है वो पहले आप जो है $0.50 यानी कि 0.50 USDT और उसके बाद जो है 1 USDT आप इसका जो प्राइस है वो 2023 तक या 22 के एंड तक, यदि मार्केट जो है ये याद रखना कि 50,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस होगा तब की ये संभावना है कि इसका जो प्राइस है $1 जा सकता है। यदि आप शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो जब बिटकॉइन 42,000 40,000 से ऊपर जाए तब इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं। यदि किसी को 50 या 100 डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो अभी भी कर सकता है। मार ये जो है ऑल टाइम हाई से लगभग 96% जो है अपने डाउन चल रहा है, तो उस लिहाज से जो आप इसमें एक अच्छी एंट्री भी बना सकते हैं। इसके आपने देखा भी होगा कई बार इसके प्राइस में फ्लैक्चुएसन हो रहा है, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो आप यदि इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि हम इसको बात करें कि इसको खरीद कहाँ सकते हैं, तो आप इसको किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। मोस्टली सभी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, चाहे वो बाइनेंस हो, कोकोइन हो, या फिर हमारा वजीरैक्स हो, कोइनडिसएक्स हो, हुबई हो, मतलब मोस्टली एक्सचेंजों के ऊपर ये लिस्टेड है, तो आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना कि मार्केट अभी उस मोमेंट में नहीं है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों किसी भी लाटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो हमारा टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन करें, और यदि आपकी कोई भी क्यूरी हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। दूसरी बात, आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, और उनकी जो भी क्यूरी है हम उनको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।